इमरान याकूब साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि राना सुनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं और जिस किस्म की जाहिर है कि जो गवर्नमेंट के अंदर पार्टियां हैं, खासकर पीएमएलएन की क्यादत और पीपल्स पार्टी, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, डू यू थिंक कि ये सारा कुछ पीसफुली हो जाएगा? 2014 में तो अल्लाह का शुक्र है डिस्पाइट द फैक्ट के बीच में सारा कुछ होता रहा ये चीज़ें, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान मुल्क का नहीं हुआ और जाहिर है कि मासूम बच्चे पिशावर के अंदर जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए, जिसके बाद हमने देखा कि ये धरना इमरान खान साहब ने खत्म किया था। डू यू थिंक कि इस दफा कोई पीसफुल हो जाएगा काम? वही सर, देखें असल बात ये है कि हमारी मोहतरमा ये जो बहन बैठी अभी बातें कर रही थी, अलमी हमारी सियासत में ये हो गया है कि कोई भी हम जब बतौर साफी उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछा जाता है गंदुम का, तो जवाब हमें मिलता है चना। कोई भी अपनी इस बात पे तैयार नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई मेंबर, जो वो ये करे कि वो क्या करेंगे। वो कहते हैं जी वो फला में ये किया है, फला इस तरह करती है, यानी वो तो मैं कहता हूँ कि चले अगर पीटीआई के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो नून लीग तो है ही गंदी, पीपल्स पार्टी तो है ही करप्ट, तो बाबा मान लिया, लेकिन आप अपना तो बताएं कि आपका लाहमल क्या होगा, आप इसको किस तरह से डील करेंगे। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं, अभी जो इन्होंने बात की बुशरा बीबी के हवाले से, तो देखिए हमारी मौशी किदार, माशरती किदार और मजहबी किदार, कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम किसी की माँ बहन बेटी के हवाले से कोई भी इखलाक से गिरी गुफ्तगू करें। लेकिन ये माशरे में नहीं हो सकता कि अगर आप ये कहें कि मरियम नवाज के बारे में बात करना तो बड़ा जायज है, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में बात करना गलत है, या रेहाम खान को तो आप जो मर्जी कह दें लेकिन अलीमा खान को कुछ ना कहा जाए, इस तरह से नहीं होता।